थैंक यू. रिकॉर्डिंग नूर अली आ रहे हैं. ओके चलिए, देर आर फ्यू पीपल कमिंग लेट. ठीक है चलिए. तो जो हमने स्टार्ट लिया था जब हम लेक्चर क्लासेस में कर रहे थे, हमने यहाँ से शुरू किया था, तो इसको ज़रा रिवाइज कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को सही कर लीजिए. और जो भी क्विज है उसमें आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और अपने अल्फाज में लिखना चाहिए. जब सर सवाल करेंगे तो सवाल को समझिए और सारी चीज़ें. तो हमने क्या कहा था, जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर ने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं, उसमें दो चीज़ें हैं. क्या है? कंप्यूटर आपका, जो आपकी कंप्यूटर इटसेल्फ है, स्क्रीन, प्रोसेसर, कीबोर्ड, कंप्यूटर इटसेल्फ एंड द कम्युनिकेशन. यानी जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि आपके पास भी कंप्यूटर है, मेरे पास भी कंप्यूटर है, लेकिन वी बोथ आर कनेक्टेड, वी बोथ आर कम्युनिकेटिंग. मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है ना? तो ICT के अंदर व्हेन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड, द रिजल्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है ना? तो इट क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस द डेटा, मैनिपुलेट और सारी चीजें. ठीक है? तो कम्युनिकेशन एक्चुअली करता क्या है, कम्युनिकेशन एक्चुअली एक डेटा को दूसरी जगह से ट्रांसफर करता है. तो ये उसकी डेफिनेशन है. ठीक है? तो दिस इज द पूछा जाए तो कम्युनिकेशन क्या करती है. कम्युनिकेशन ये करती है जनाब, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम. ठीक है? तो ठीक है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस आपके जो डेटा है उसको ट्रांसफर करती है. ठीक है, इट मर्जेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन इन कैरिंग डेटा, साउंड एंड वीडियो. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कम्युनिकेशन का. आगे हम पढ़ लेते हैं. सॉरी, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके के एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन पुरानी जो कम्युनिकेशन थी, जो जिसको हम कहते हैं TCP/IP या पैकेट स्विचिंग, उसमें सिर्फ टेक्स्ट जाया करता था. लेकिन अब जो है वो टेक्स्ट भी जा सकता है, साउंड भी जा सकती है और वीडियो भी जा सकती है. जो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं ना, चाहे वो साउंड हो चाहे वो वीडियो हो. व्हाई? बिकॉज दिस. ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है. कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं. ये कोई हमने क्लास में पढ़ लिया था कि दीज आर द यूजेस. ठीक है, इसको हमें. जी सर बोलिए बोलिए. मैनिपुलेट डेटा क्या होता है? मैनिपुलेट डेटा ठीक है, मैं जा रहा हूँ वापस पे, आपको बताता हूँ मैनिपुलेट क्या होता है. ठीक है, डेटा को देर आर फ्यू फंक्शंस जो आप कर सकते हैं. जो आपके पास एक कंप्यूटर है और एक प्रोग्राम है, तो पहला काम है प्रोड्यूस करना, यानी कुछ डेटा डालना उसके अंदर. तो डेटा डालना इज प्रोडक्शन ऑफ द डेटा. मैनिपुलेट है उस पर कोई फंक्शन करना, मसलन मल्टीप्लाई हो रहा है, मसलन ऐड हो रहा है, मसलन कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन. कंपेयर करना, तो आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें डेटा कंपेयर करके निकाल रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जिसको टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल मैनिपुलेशन. यानी डेटा कुछ और था, ठीक है, और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा. फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ जितने ए ग्रेड है वो सब आ जाए, तो दैट इज मैनिपुलेशन. वो जाएगा, ढूंढेगा और ए वालों को एक जगह लाके रख देगा, तो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेट. क्लियर है? बाकी स्टोर तो पता है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है. प्रोड्यूस का मतलब है जो एंट्री स्क्रीन है आपकी, उससे आप डेटा डाल रहे होंगे. तो डेटा डालना, एंटर करना, प्रोड्यूस करना. ठीक है, था नहीं उसमें डेटाबेस में कुछ, था नहीं, आपने प्रोड्यूस किया, एंटर किया ना आपने, कीबोर्ड से डाला. मैनिपुलेट का मतलब है कंपैरिजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप डेटा के ऊपर जो भी फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज मैनिपुलेशन. मैनिपुलेट करना उसको किसी तरह से भी. स्टोर का मतलब है डेटाबेस में स्टोर हो गया. ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब है इस कंप्यूटर से उठा के दूसरे कंप्यूटर में, या एक जगह से उठा के दूसरी जगह से, पाकिस्तान से उठा के. तो कम्युनिकेट करना, डिसिमिनेट करना मतलब होता है कि मैं अभी वॉइस डिसिमिनेट कर रहा हूँ. मैं एक क्लास यूनिवर्सिटी में बैठ के एक अपने कंप्यूटर के सामने कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन जो है वो डिसिमिनेट हो रही है मेरे क्लास के स्टूडेंट में. तो कोई चीज भेजना इज कॉल्ड डिसिमिनेशन. ठीक है, क्लियर है भाई? है भाई आंसर? ठीक है सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो बस यहाँ पढ़ते जाए और मुझे रोकते जाए, तो मैं इसको थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ. और ठीक है, कंप्यूटर डिफाइंड तो हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मतलब है?
कुछ आईसीज होंगी, कुछ इक्विपमेंट होगा और इसमें, ठीक है, और इसमें करंट होगा और कुछ करंट। इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? इसको आप प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप कहते हैं ये करो ये करो ये करो, ठीक है। तो इस तरह से आप उससे बहुत काम कर सकते हैं। आप जो भी काम है, आप एक प्रोसेसर है, एक हार्डवेयर है, उसको आप कहते हैं, जिसको आप कहते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो आप लिखते हैं, और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं वो आप नहीं लिखते हैं, वो कोई और लिखता है। कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है, बाकी चीजें आप कहते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दैट्स हाउ यू कंट्रोल। फिर हमने पढ़ा था दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, तो हम जरा दोबारा से देख लेते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर वो होता है, ये होता है जनाब, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें कंटिन्यूअस होता है, और कोई भी जिस तरह ये वाली चीज है ये मैकेनिकल है, और ये वाली चीज जो है वो एक स्पीडोमीटर है, और ये वोल्ट मीटर है। तो देख रहे हैं आप ये, हालांकि आप बोलेंगे कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उसकी डेफिनेशन ये कंटिन्यूअस हो और चेंजेबल हो। तो जब भी जितनी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी कम होगी, ये ज्यादा हो कम होता रहेगा, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे है। इसी तरह से वेट आपका जो भी है वो, तो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ये डेफिनेशन है। तो कोई इलेक्ट्रिकल काम, मैकेनिकल काम, हाइड्रोलिक, ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस और चेंज हो, तो ये एनालॉग कंप्यूटर है। तो ये मशीन है जो आप देख रहे हैं, दीज आर एनालॉग कंप्यूटर्स। लेकिन तो डिजिट में क्या होता है, डिजिट में क्या है, डिस्क्रीट है, 1, 2, 3, 4, दीज आर डिस्क्रीट नंबर्स, दे आर नॉट कंटिन्यूअस नंबर, ठीक है। तो कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन, कंपेरिजन, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें, और लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाली चीजें, और ये कंपेरिजन, ये इससे बड़ा तो नहीं है, ये इससे छोटा तो नहीं है, ये उसके जैसा तो नहीं है, तो ये वाली चीजें, दो ही चीजें होती है बस, ठीक है ना। एंड बाइनरी नंबर का मतलब है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, या तो करंट है 5 वोल्ट है या 5 वोल्ट नहीं है, या 12 वोल्ट है या 12 वोल्ट नहीं है। कुछ इक्विपमेंट है जो 5 वोल्ट पे चलता है, कुछ 12 वोल्ट पे चलता है, तो सारी चीजें में करंट है या करंट नहीं है, तो दीज आर डिस्क्रीट, ठीक है, ठीक है। अब ये जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, कंप्यूटर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारी, मैं अगर इस्तेमाल करना चाहता हूँ एज एन इंडिविजुअल, तो मेरे पास ये ऑप्शन है, डेस्कटॉप है या वर्क स्टेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा, नोटबुक है, साइज और वेट का फर्क है, ठीक है ना, टैबलेट, इसमें कोई इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसको जरा पढ़ लेंगे, लिख देंगे। हैंड हेल्ड क्या चीज होती है, ये स्पेशलाइज किस्म के कंप्यूटर हैं, और जैसे आपकी यूनिलीवर है, या कोई जो बहुत बड़ी एजेंसी है जो चीजें बेचती है या सब करती है, तो वो चाहती है कि कोई आदमी कागज पे ना लिखे, पर्ची गुम हो जाए, तो जब बेचने जाए, बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे यूनिलीवर है और कौन सी है, नाम याद नहीं आ रहे, तो बाकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, चाहते हैं कि जब हमारे पास आदमी सेल्स करने जाए तो कंप्यूटर लेके जाए और सेल्स को एंटर करे वहीं से, जो हमारे सर्वर से हिट हो। तो ये स्पेशलाइज किस्म की एप्लीकेशन लगी हुई है इसके अंदर, जो सेल्स की है, और जब ये ऑन करता है तो सिम के थ्रू आपके सर्वर से ऑन कनेक्ट हो जाता है, और फिर आप जो भी चीज बेचना चाहें वो इन्वेंटरी से कनेक्ट होती है। तो सारी चीजें, तो बहुत ही छोटी सी चीजें जो आप कंप्यूटर से बहुत सारी चीजें करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम, छोटी सी मेमोरी और छोटा सा साइज, ठीक है, लेकिन सेल्स का सिस्टम चल जाएगा उसमें वो सारी चीजें। तो ये दीज आर कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDAs, या हैंड हेल्ड, हाथ में ये कंप्यूटर को ले सकते हैं। ये कीबोर्ड है, ये स्क्रीन है, ठीक है, स्मार्टफोन, ये सारे इंडिविजुअल यूजर हैं। अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ईमेल, वेब ब्राउजिंग, ये सारी चीजें, मैं जरा ऑर्गेनाइजेशन वाले पे चला जाता हूँ। अब ये वो कंप्यूटर है जो इंडिविजुअल नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये वाले कंप्यूटर ऐसे हैं जो मैनी यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो दीज आर, जब आपका जो कंप्यूटर है वो एक आदमी यूज कर रहा है, यानी मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन अगर बैंक में या फार्मास्यूटिकल में कोई कंप्यूटर लगा हुआ है तो वो 400-500 लोगों को सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। तो कैसे दे रहा है, इसका मतलब है वो पावरफुल होना चाहिए, ठीक है ना, 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर कोई बैंकिंग की इंटरनेट एप्लीकेशन है तो एक वक्त में 10,000 लोग यूज कर रहे होंगे, तो 10,000 लोग कैसे रिस्पॉन्स ले पाएंगे, तो उसका मतलब पावरफुल कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो बहुत पावरफुल होगा, लेकिन इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटर का हार्डवेयर ऐसा होता है कि वो डाउन टाइम कम होगा उसकी, अगर एक पावर सप्लाई खराब हो गई, पहले तो पावर सप्लाई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या रगेड होना चाहिए, लेकिन अगर खराब हो गई तो दूसरी पे चला जाए,
हार्ड डिस्क खराब होगी तो दूसरे पे चला जाए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये दीज आर वेरी दीज आर नॉट ठीक है, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं तो मैंने देखा नहीं अभी, बहरहाल चलिए ठीक है। तो ठीक है, तो नेटवर्क सर्वर क्या होता है, सर्वर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सर्विस दे रहा है आपको, सर्वर का मतलब है सर्विस दे रहा है। नेटवर्क हमने पढ़ लिया था कि एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है तो दीज आर नेटवर्क, ठीक है। आप देख रहे हैं चार पांच कंप्यूटर कनेक्टेड है तो कनेक्शन हो गया, लेकिन दूसरा ये कि ये कनेक्शन नहीं है खाली, ये एक कंप्यूटर ऐसा है जो साइज में और शेप में डिफरेंट है, तो ये इसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत सारे चीजें होंगी जो इनके पास नहीं है और ये इनको सर्विस दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इट्स यूजुअली अ पावरफुल कंप्यूटर विद ए स्पेशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। तो नेटवर्किंग क्या है, अलाउ करेगा डिफरेंट यूजर्स को आना उनको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, डेटा गार्डिंग होगी इसके अंदर, डेटा गार्डिंग अगर आपको याद हो हमने कहा था कि हार्ड डिस्क अगर फेल हो गई तो दूसरी पे चला जाएगा, मल्टीपल पावर सप्लाईज, अगर एक पावर सप्लाई खराब हो गई तो, ठीक है ना। तो फंक्शन एज ए प्राइमरी कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर है और बाकी सारे लोग इसे सर्विस ले रहे हैं, तो इसको सर्वर कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जी स्केलेबल कंप्यूटर, यानी रैक माउंटिंग, देखे ना आप, ये रैक माउंटिंग है, यानी ये पूरा वो है मदरबोर्ड है, इसमें चीजें लगी हुई है, मेमोरी और हार्ड डिस्क और ये सारी, जब आपने कंप्यूटर लगाया लग गया दूसरा, एक दो तीन चार पांच, ये सारे एक रैक के अंदर पांच कंप्यूटर लगे हुए हैं, फिर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो दूसरे में लगा लें, तीसरे में लगा लें, चौथे में लगा लें। तो ये स्केलेबल का मतलब ये है कि अगर आपको, आपका छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने दो सर्वर लगा लिए, बड़ी है तो आपने 10 लगा लिए, ठीक है। तो बैंक के पास ये स्केलेबल कंप्यूटेशनल अब होती है, यानी जो अब बात हो रही थी मेन फ्रेम और ये सारी चीजों की, तो नॉर्मली वी डोंट हैव दोस, अब ये इस तरह का वो है कि रैक माउंटिंग आपके पास होते हैं। लेकिन जब तो कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। मेन फ्रेम क्या चीज होती है, मेन फ्रेम इज ए टर्मिनोलॉजी यूज बाय IBM, यानी मेन का मतलब है बहुत बड़ा कंप्यूटर। तो होता क्या था कि अगर एक बैंक है तो बहुत बड़ा कंप्यूटर, यानी आधा कमरा चाहिए, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो, ठीक है। तो दैट यूज टू बी द साइज ऑफ कंप्यूटर, और जो छोटा कंप्यूटर होता था वो आपकी डेस्क पे आ जाता था, उसको डेस्कटॉप कहते थे, वो आपकी जरूरत के लिए पूरा था, लेकिन जो आधे कमरे में आया था उसको, ठीक है, तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी में बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है। ठीक है, तो क्या है जनाब ये, दीज आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर, तो इसका मतलब है इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर को सर्विस दे पाएंगे, ठीक है, और एक्सेस होते थे किसके थ्रू, टर्मिनल के थ्रू, ठीक है, ये टर्मिनल होता था जमाने में, इसकी अपनी प्रोसेसिंग नहीं होती थी, ये केबल के थ्रू सर्वर से कनेक्ट हो जाता था, और कीबोर्ड होता था और स्क्रीन होता था, ठीक है ना, ये तो इसको कहते थे डम टर्मिनल, क्योंकि इसके पास खाली कीबोर्ड होता था और ये आपका स्क्रीन होता था, इसके पास अपनी कोई वो नहीं होती थी, यानी सर वो नहीं होता था, यानी प्रोसेसर कोई नहीं होता था। लेकिन उसके बाद फिर ये हो गया कि ये मशीनें हट गई और इसकी जगह इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स आ गए, तो वो एज ए डम टर्मिनल काम करते थे, ठीक है ना, तो उनके अपने पास प्रोसेसिंग होती थी, तो स्टैंडर्ड पीसी लगा दिया गया, फिर ये हट गया, खत्म हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये एक कमरे में जबरदस्त किस्म के आप एंटर होंगे तो ये कुछ नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक दो तीन चार ये सारे लगे हुए हैं इसके अंदर, आप अंदर जाके चीजों को चेंज कर सकते हैं, मदरबोर्ड हटा सकते हैं, जो भी चीज इसके अंदर लगी हुई है, तो दिस इज द साइज ऑफ द कंप्यूटर। अब डिपेंड करता है कि आपका छोटा बैंक है तो चार लग गए, बड़ा है तो आठ लग गए, ठीक है। अब ये जो मेन फ्रेम्स थे ये नॉर्मली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते थे, ठीक है ना, बैंक हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, बड़ी बड़ी जो कंपनी है यूज होते थे, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स तो इनसे भी तेज थे, और ये वेदर फोरकास्टिंग, यानी अगर आपने पूरे पाकिस्तान का वेदर फोरकास्ट करना है तो कितने पैरामीटर्स हैं और हर सेकेंड पे उसको स्टडी करना है या फिर उसको देखना है, तो दैट रिक्वायर्स अ वेरी हाई कंप्यूटिंग। तो आप देख रहे हैं 1 trillion कैलकुलेशन पर सेकेंड, ताकि वो आपको बता सके, जलजला आ रहा है तो बता सके, तूफान आ रहा है तो बता सके, सेकेंड्स के अंदर वो आपको कैलकुलेशन करके, यानी सेंस करके बता सके।
ठीक है, तो वेदर फोकास्टिंग में बहुत बड़े एरिया में उसको सेंसर को लगाना, स्टडी करना और उसको, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो कैलकुलेशन बहुत चाहिए। इसी तरह न्यूक्लियर फिजन, तो जो आप करते हैं उसमें हाई पावर चाहिए होती है आपको, या फिर मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, तो ये सारे हैं। तो आप देख रहे हैं 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड, तो ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। देख रहे हैं आप, ये बस रखे में एक पूरा कमरा भरा हुआ है प्रोसेसिंग से, तो ये ठीक है। और दूसरा तो ये होता है कि आप जो भी कंप्यूटिंग है उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी अगर मैंने कोई चीज कैलकुलेट करनी है, कोई चीज निकाल ली है, तो कुछ वो इस कंप्यूटर से करवाएगा, कुछ इससे करवाएगा, कुछ इससे करवाएगा और उसको जोड़ देगा, जिसको मैंने बताया था मैप रिड्यूस, जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल भी होते हैं जैसे, और ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं, दैट्स ऑल। इसको हम क्लोज कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई क्लोज इट एंड गो टू द सेकंड स्लाइड। सर, जो लोग अभी एंटर हो रहे हैं, जस्ट अ मैसेज फॉर देम कि अगर आप आधे घंटे बाद होंगे तो सर के लिए मुश्किल होगी, तो आप बिहेव योर सेल्फ, आप जल्दी आ जाएं तो 5 मिनट तो हम इंतजार करते हैं, लेकिन अगर आप अभी आ रहे हैं आधे घंटे बाद, तो प्रॉब्ली देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। कंप्यूटर हमने पढ़ लिया, कम्युनिकेशन होती क्या है, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। कम्युनिकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन जनरल, तो ये कम्युनिकेशन बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी की कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? एक तो कम्युनिकेशन मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, उर्दू अंग्रेजी, तो विल टॉक इन सम लैंग्वेज। लेकिन जब बात हो रही है आईसीटी में कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक डेटा दूसरी जगह जा रहा है, तो मैं और आप अभी बात कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? माई वॉइस एंड माई प्रेजेंटेशन इज गोइंग फ्रॉम माई कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, ठीक है। तो दिस इज कम्युनिकेशन, हम सारे लोग कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे, ठीक है। तो क्या करें, एक्चुअली डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो और हम जो डेटा कर रहे हैं वो वायर के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस के भी थ्रू हो सकता है, ठीक है ना। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, हम जो एक दूसरे से कनेक्ट है, इसमें वायर भी कनेक्टेड है, जिस तरह आप इंटरनेट से कनेक्ट है, आपके पास एक केबल आ रहा है और वो इंटरनेट से आईएसपी से कनेक्ट होगा, वो फिर डीएचएस ऑफ यूनिवर्सिटी से किसी तरह से कनेक्ट होगा, तो ठीक है। कुछ वायर्स हैं, कुछ वायरलेस हैं, ठीक है। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल एक जगह से दूसरी जगह गया है, वो केबल है जिससे आप डेटा ट्रांसफर करवा रहे हैं बहुत स्पीड से, ठीक है। और कहीं यहाँ जैसे आपके घर के अंदर का एक केबल आया हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर आप उसमें कुछ और लगा लेते हैं और फिर आप कहते हैं ये वाईफाई बन गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है जनाब। ये सम्मानली साहब आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज नेटवर्क, ये डेफिनेशन आपको पता है, इसको जरा पढ़ लीजिए। व्हाट इज नेटवर्क? एक से ज्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन होना, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन करना नेटवर्क होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, लेकिन बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए। ये जरा गौर से सुन लीजिए जी। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन भाई, कोई सवाल कर रहा है? सही। व्हाट डज बीइंग ऑनलाइन मींस? तो ऑनलाइन होने का क्या मतलब है, ये जरा कॉन्सेप्ट सही कर लीजिए। ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि जनाब, ए कंप्यूटर यूजिंग ए कंप्यूटर टू एनी अदर इंफॉर्मेशन डिवाइस या कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू ए वॉइस डेटा। तो ऑनलाइन कब है आप? जैसे अगर मैं पिज्जा खरीदना है, तो मुझे गाड़ी निकालनी होगी, पिज्जा की दुकान पे जाना होगा, लाइन में लगना होगा और पैसे देने होंगे और फिर लेके घर आना होगा, ठीक है। एक ये तरीका है विच इज कॉल्ड मैनुअल या फिजिकल।
लेकिन दूसरा तरीका है मैं घर में बैठा रहूं अपने कंप्यूटर से, मैकडॉनल्ड के कंप्यूटर में कनेक्ट हूं, ऑर्डर प्लेस करूं और वो ऑर्डर प्लेस हो जाए और वेरिफिकेशन हो जाए, वो मेरे घर आ जाए और मुझे पैसे दे दे, ठीक है ना। तो दैट इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का मतलब है मैंने ऑर्डर कैसे दिया था, मैं फिजिकली नहीं गया था, मैं अपने कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस पे कनेक्ट हुआ था जो उनका सर्वर था और उस पर मैंने ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, इसमें वॉइस और ये सारी चीजें भेजते हैं और आप ऑनलाइन हो जाते हैं। इसी तरह से आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या है कि अपने कंप्यूटर से, ठीक है, YouTube पे फिजिकली तो नहीं गए, उसकी वेबसाइट पे आप कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू वन कंप्यूटर। तो उसकी जो हजारों किस्म की मशीन है उस पर आप किसी में कनेक्ट हो गए और फिर आपने अपनी पसंद की वीडियो देख लिया, जो भी आप ट्रेनिंग मटेरियल है, जो भी है, जो मेरे लेक्चर है, ठीक है, ये सारी चीजें। साइबर स्पेस क्या चीज होती है? साइबर जो कुछ आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ी एक स्पेस है जो वर्चुअल स्पेस है कंप्यूटर की, ठीक है ना। आप और मैं कनेक्टेड हैं और ये पूरी स्पेस है यहाँ से लेकर वहां तक, तो ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है। तो तार और बगैर तार एक दूसरे से कनेक्ट होना, तो वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड जो क्या करती है, आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है। साइबर साइबर एंड स्पेस, ठीक है ना। तो स्पेस कोई फिजिकल नहीं है कि जी इतनी बड़ी स्पेस, इतनी बड़ी रोडें हैं, तो स्पेस तो है मगर ये और वर्चुअल स्पेस है, साइबर है, ठीक है ना। तो इसको जरा समझ लें, ठीक है। तो साइबर स्पेस टिपिकली इन्वॉल्व्स लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है, TCP/IP के थ्रू। तो TCP/IP क्या होता है, डेटा एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है ना, और ये सब होता है। आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप गेम प्ले कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, ये सारी चीजें थ्रू साइबर स्पेस। तो साइबर अलग है, स्पेस अलग है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स का नेटवर्क, ठीक है ना, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो आपका नेटवर्क एक दो कंप्यूटर या उससे ज्यादा कनेक्ट करने को आप क्या कहते हैं, कहते हैं जनाब नेटवर्क। लेकिन एक नेटवर्क ऐसा है कि जिसमें आपका कंप्यूटर अमेरिका के किसी कंप्यूटर तो इंटरनेशनली कनेक्टेड है पूरी दुनिया से, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। मल्टीमीडिया क्या होता है, मीडिया क्या चीज होती है, मीडिया अगर मैं प्रिंट मीडिया होता है ना, अखबार को प्रिंट मीडिया कहते हैं, तो कुछ खबरें छपी हुई हैं अखबार पे तो मीडिया हो गया। लेकिन मीडिया अगर खाली प्रिंट नहीं है या खाली टेक्स्ट नहीं है, बल्कि क्या हो सकता है, वीडियो हो सकती है और ऑडियो हो सकती है, ठीक है, गाने हो सकते हैं, मूवी हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मल्टी हो गया, ठीक है ना, प्रिंट मीडिया अखबार हो गया, लेकिन अगर वो प्रिंट भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है और एनिमेशन भी है, तो ये मल्टी हो गया, यानी एक से ज़्यादा, तो मल्टी मीडिया, ठीक है। तो मल्टी मीडिया में क्या है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, इमेजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है जनाब। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये जरा ये एग्जाम के हवाले से भी और वैसे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर्स ने इम्पैक्ट क्या किया आपकी सोसाइटी पे। तो सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें, आपके घर में इम्पैक्ट क्या है, ठीक है ना, आपके घर में क्या इम्पैक्ट किया। आप उससे मेल भेज देते हैं, अब तो आपको शायद याद नहीं होगा कि आपने कोई खत लिख के किसी को पोस्ट किया, आप मेल कर देते हैं फटाफट, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस स्काइप व्हाट्सएप, ठीक है। इसी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए जी, एनी क्वेश्चन, अलग छेद नहीं है, नेक्स्ट थर्सडे हम ले लेंगे, यानी थर्सडे ले लेंगे, जो भी आपकी क्लास आएगी ना थर्सडे को उसमें हम ले लेंगे। तो देयर आर इस तरह से रखा है, चार और चार को हमने डिवाइड कर दिया, एट है एक्चुअली, छह नहीं है, आठ है, ठीक है, ठीक है। एंटरटेनमेंट कर सकते हैं आप, और आजकल जो आप पढ़ रहे हैं, बीमारी फैली हुई है और क्या नाम है, हम लोग एक दूसरे को डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है ना, सेहत है तो सब कुछ है, तो फिर पढ़ाई है लेकिन वक्त नहीं जाया होना चाहिए। तो ऑनलाइन टीचिंग सारी चीजें दुनिया में, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है, आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये दिस इज अ वेरी इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट। तो घर के अंदर, स्कूल के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर,
एजुकेशन अब आपको MIT जाने की जरूरत नहीं है, स्टैनफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, वीजा लेने की जरूरत नहीं है, तो रिलेटिवली सस्ती घर में रहते हुए आप हार्वर्ड से पढ़ सकते हैं. तो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है ना. तो उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, बिल्कुल वैसी असाइनमेंट होंगे, वैसी क्लास कर रहे होंगे, डेट गुजर गई तो नंबर जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना, क्विज नहीं दिया तो नंबर जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से टफ टाइम लाइन से है, ठीक है. कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई आराम आराम से, बिल्कुल उधेड़ के रख देते हैं, ठीक है ना. तो ये इनका एजुकेशन सिस्टम है. फिर बहुत सारी सर्टिफिकेशन है जो पहले पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब पॉसिबल है घर में बैठे बैठे, यूडेमे, कोर्सेरा या ये जो जितने भी है, ये अपनी एजुकेशन देते हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेशन दे देते हैं. तो ये सारी किस लिए पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स एंड कनेक्टिविटी, ठीक है. इसको छोड़ दें. इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इस्तेमाल है. इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्या है कि जनाब आप बहुत सारी ERP यूज कर सकते हैं. बैंकिंग ने बहुत फैसिलिटेशन कर दिया है, चेंज कर दिया है चीज़ों को. कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप जल्दी से टोयोटा और सुजुकी में क्या है, रोबोटिक्स यूज हो रहे हैं. तो रोबोट्स क्या करते हैं, सैलरी भी नहीं मांगते और बीमार भी नहीं होते. तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सस्ती हो गई है, तो वो सस्ती हो गई है तो गाड़ी भी सस्ती हो जाएगी, ठीक है ना. शिपिंग के अंदर बहुत इस्तेमाल है. तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चाहिए कि इतना सारा इम्पैक्ट है. गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर आसान हो गई हैं. आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओनली, बट एनी गवर्नमेंट, ठीक है. ट्रांसपेरेंट होती जा रही है. ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि पहले आप जाते थे तो पता नहीं था ना, आप तो थ्रू इंटरनेट हो रही है. तो इंटरनेट में अगर आपने टैक्स पे करना है तो एक तरीका कार है, उस पर आप टैक्स पे करते हैं, सारी चीज़ें बता दें. अब कोई आदमी नहीं है, वो इंटरनेट पे चली जाती है, एक पेज बन जाएगा सारी चीज़ें. इसी तरह से अगर आपने लाइसेंस है, इसी तरह से पेमेंट्स हैं, तो बहुत सारी पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल अभी मुझे गाड़ी का जो टैक्स देना होता है, तो गाड़ी का टैक्स गाड़ी लेकर जाऊँ, ठीक है ना, और लाइन में लगूँ और तो सारी चीज़ें. तो अभी हमने इसको ऑनलाइन कर लिया है, ठीक है. तो उसमें वो 85 रुपीज एडिशनल लेते हैं, यानी जो आपकी पेमेंट है ना 3000 रुपये अगर गाड़ी का टैक्स देना है तो 85 रुपीज गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है, क्योंकि वो जो सर्विस आप यूज़ करें. तो लेकिन अगर आप गाड़ी लेके जाएं, लाइन में लगें और आधा घंटा वेट करें, तो 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा वैसे हो जाएगा आपका. तो 85 रुपीज देने में कोई हर्ज नहीं है. तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई हैं? बिकॉज ऑफ दी कंप्यूटर एंड कनेक्टिविटी, ठीक है. ये बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की. तो ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो अमेरिकी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई दूसरी भी गवर्नमेंट हो, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने थ्रू कंप्यूटर कर दी. यानी वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो नॉर्मली ऑनलाइन होती है, चाहे वो अमेरिका का वीज़ा हो या किसी और चीज़ का, कैनेडा का वीज़ा हो, तो यू डू इट ऑनलाइन, ठीक है. फिर वो प्रोसेस हो जाता है, फिर आपको बुला लिया जाएगा वीज़े के लिए. लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह से कोर्ट की समरीज हैं, कोर्ट की अनाउंसमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें. तो ये फाइनेंस, और ये दिखाने का मकसद ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है. वाई? बिकॉज अब आपको एक वेबसाइट पे जाना है, देखना है, और वो सिक्योर चीज़ें कर करके इन्होंने कर दिए, ठीक है. हेल्थ केयर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है ना. रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. यानी अगर आपको पहले कोई बीमारी थी तो आप डॉक्टर का पता करेंगे, फिर आप उसको दिखाएंगे, ठीक है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकल बीमारी. तो अब ये है कि आपको पता है कि एक आदमी बीमार है, और तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका या इंग्लैंड या कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं. तो वाई? बिकॉज ठीक है ना, आप ये कनेक्टिविटी आपकी, ठीक है. तो न्यू ट्रीटमेंट इज पॉसिबल. अगर सर्जरी नहीं करानी है तो आप उसको दिखा के, रिपोर्ट्स दे के, डिस्कस करके आप दवाई ले सकते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं. शेड्यूलिंग कर सकते हैं. अगर आप एक ऐसा डॉक्टर है जो बहुत पॉपुलर है और उसकी बहुत लंबी लाइन लगती है, तो आपको सुबह से जाके आप लाइन लेते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है. अब ये है कि आप जाके टाइम ले लें, जैसे मंडे को जाना है, ट्यूसडे को जाना है, जो भी आपका दिन है, तो आप जाएं उसके. और तो शेड्यूलिंग में भी आप जाके टाइम ले लें नेक्स्ट, और फिर उसी वक्त चले जाएं. जैसे अगर आप 5 बजे से रात 8 बजे तक डॉक्टर बैठता है, तो आपको अपने टाइम ले लिया, जो भी स्लॉट अवेलेबल है, और उस पर आप चले जाएंगे. आपको घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है.
ठीक है, मेनी हेल्थ केयर प्रोसेस आर इन्वॉल्व कंप्यूटर्स फ्रॉम अल्ट्रासाउंड, तो पूरी पूरी मशीनें हैं जो आपकी चीज़ों को स्कैन करती हैं, देखती हैं और फिर सारी चीज़ें बता देती हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो रेडिएशन फॉर कैंसर पेशेंट, तो अगर आपको मालूम हो कि एक तो कीमो होती है, कीमो के अलावा फिर एक ट्रीटमेंट ये है कि जो कैंसर है उसको रेडिएशन, तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ दी कंप्यूटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आपकी डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है ना। एक डॉक्टर है जिसने MBBS पढ़ा, फिर एक साल होम क्या नाम है हाउस जॉब किया, उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है और फिर वो उसके पास एक नॉलेज है 10 साल की ऑर्थोपेडिक सर्जन।